Foreign interference is foreign interference. Look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. So don't feel bad when I do. The US. What Americans and Indians will do, at top level, they will keep cooperating, engaging, but at lower level, they will keep confronting. ये ऐसे नहीं होगा कि जैसे माजी में है कि पायदान जो मर्जी कहते रहो जैसे मर्जी कहते रहो. इंडियंस एक चीज़ चाहते हैं, इंडियंस एक चीज़ कहते हैं, इंडियंस एक चीज़ को बोल रहे हैं कि हम अब रिस्पॉन्ड करेंगे, हम बोलेंगे, हम जवाब देंगे. अब अमेरिकन्स को ऑब्वियसली नॉर्मली ये आदत नहीं है जवाब सुनने की. ठीक है, यहाँ पर भारत ने मेरे हिसाब से पहली बारी एक ऐसा जवाब दिया है जो जयशंकर जी के जो वर्ड्स थे जहां पर उन्होंने बोला था कि साहब आप हमारे ऊपर जितने मर्जी कमेंट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास करिए हमारा भी कमेंट आपके ऊपर उसी तरह से उसी स्ट्रेंथ से आएगा. कल कुछ ऐसा ही हुआ कि जी डॉक्टर जयशंकर जी हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने जवाब दिया है और बड़ा तगड़ा जवाब दिया है. जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर का कहना ये है कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करता है और हरगिज किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत को सिखाने की जरूरत नहीं है. क्या कहना चाहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर और इसके आखिर क्या सर्कमस्टांसेस हैं और क्या एलिमेंट्स हैं जो डॉक्टर एस जयशंकर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास की? तो ये जो हिपोक्रेसी है, बायसनेस है, ये कल परसों एस जयशंकर ने इसको कॉल आउट की. जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, द मोर इंडिया विल स्पीक ऑफ ऑटोनॉमी द मोर सच थिंग्स विल कम. एंड एट द सेम टाइम देखें, द क्वेश्चन इज इंडिया क्या कह रहा है. इंडिया कह रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, डू नॉट मेजर इट एज अ लिबरल डेमोक्रेसी. दिस इज नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी. द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज इट्स ओन कल्चरल, सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स. नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है. दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सीधा वॉशिंगटन से. डॉक्टर जयशंकर साहब वॉशिंगटन डीसी में मौजूद थे और वहाँ पे यूएसए में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने भाई यूएसए को जमकर लताड़ा. उन्होंने बोला कि फ़ौरन इंटरफेरेंस, मतलब फ़ौरन इंटरफेरेंस तो फ़ौरन इंटरफेरेंस होती है, तुम्हारे पास मतलब यूएसए के पास पूरा राइट है कमेंट करने का. पर डॉक्टर जयशंकर साहब ने सीधे शब्दों में ये ज़रूर कह दिया, डोंट फील बैड व्हेन आई डू, मतलब जब मैं कमेंट करूंगा तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या फिर तुम्हारी कंट्री के ऊपर, वो भी फॉरेन इंटरफेरेंस होगी, पर उस टाइम पे तुम बुरा मत मानना. डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये कह दिया. इससे भाई यूएसए को सीधा मैसेज जाता है कि अब ये वो भारत नहीं है कि यूएसए के पे डिपेंड करेगा. अब यूएसए को भारत की ज़रूरत है, ना कि भारत को यूएसए की ज़रूरत है. भारत अब उभरती सुपर पावर है, इस वजह से अब वो चुप नहीं रहेगा पहले की तरह. अब भारत को जवाब देना आ गया है. भारत की इकनॉमी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब वो यूएसए जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को जवाब दे सकता है और तगड़े जवाब दे सकता है और उनकी बोलती बंद कर सकता है. फॉरेन ऑफिस ने पकड़ के अमेरिकन की जो है वो थोड़ी धुलाई कर. द क्वेश्चन इज कि ये इस चीज़ से वो अमेरिकन कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है दैट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. अच्छा, इंडिया के अंदर ये जो डेमोक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है. अब ये चीज जब हुई है तो इंडियंस उठ खड़े हुए हैं. सो मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अब इंडिया बात कर रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के. जब द मोर इंडिया विल टॉक ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी द मोर सच रिपोर्ट्स विल कम. ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है जी. और जब ये रिलीजियस फ्रीडम जो कि जब रिपोर्ट्स आएंगी तो वो सारी बात है मुश्किल पैदा होगी इंडियंस और अमेरिकन्स की. मुझे ये लग रहा है व्हाट अमेरिकन्स एंड इंडियंस विल डू कि एट टॉप लेवल दे विल कीप कोऑपरेटिंग इंगेजिंग बट एट लोअर लेवल दे विल कीप कन्फ्रंटिंग. ये ऐसे नहीं होगा कि जैसे माजी में है कि पायदान जो मर्जी कहते रहो जैसे मर्जी कहते रहो. इंडियंस एक चीज़ चाहते हैं, इंडियंस एक चीज़ कहते हैं, इंडियंस एक चीज़ को बोल रहे हैं कि हम अब रिस्पॉन्ड करेंगे, हम बोलेंगे, हम जवाब देंगे. अब अमेरिकन्स को ऑब्वियसली नॉर्मली ये आदत नहीं है जवाब सुनने की, ठीक है. सो इसमें आप ये देखिएगा कि अगर अमेरिकन्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम ये करेंगे. आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले मुझे याद है इंडिया ने उन्होंने कहा जी हमने एक ग्रुप भेजना है जो इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम का इंडेक्स को मेजर करेगा. इंडिया ने कहा हमने इनको वीजा ही नहीं देने. उन्होंने कहा हमने इनको वीजा ही नहीं देने, हमारे लिए ये चीज़ ही वो डिफरेंट है. सो ये जो यूएस का कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है ये समझे एक बोन ऑफ कंटेंशन बनता जा रहा है इंडिया और अमेरिकन के लिए. और इसमें पॉइंट उठेंगे. सो द मोर इंडिया विल स्पीक ऑफ ऑटोनॉमी द मोर सच थिंग्स विल कम. एंड एट द सेम टाइम देखें, द क्वेश्चन इज इंडिया क्या कह रहा है. इंडिया कह रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, डू नॉट मेजर इट एज अ लिबरल डेमोक्रेसी. दिस इज नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी. द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज इट्स ओन कल्चरल, सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड देन यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल दैट इन एनी काइंड ऑफ अ गवर्नेंस मॉडल, इन एनी काइंड ऑफ अ मॉडल. अब होता क्या है कि वो कह रहे हैं जी कि वो अब होता क्या है वेन इंडियंस को
जैसे ओ लुक आई एम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ. अब जब व्हेन इंडिया टॉक्स अब यू नो कंट्री फ्रॉम अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, इंडिया इसके ऊपर बात करता है. जब इंडिया बात करता है वो कहते हैं अच्छा आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आए हैं, आपको सारे अंकों में बैठाते हैं. लेकिन द पॉइंट हेयर इज कि इंडिया जो है वो जब वो जो डेमोक्रेसी के इंडिकेटर्स मेजर करते हैं तो इट इज़ नॉट एट पार विद दी सेकुलर डेमोक्रेसी, इट इज़ एट नॉट पार विद लिबरल डेमोक्रेसी, इट इज़ एट नॉट पार बिकॉज जो फ्रांस में आप देख सकते हैं या आपको वाशिंगटन में या लंदन में या बर्लिन में नजर आएगी, वहाँ पर एक डिफरेंट सिचुएशन है. सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक कन्फ्रंटेशन जो है वो होगी, होने जा रही है, आइंदा भी होगी. इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ये कोई इतनी आसान नहीं है, ये कन्फ्रंटेशन रुकने वाली नहीं है मेरी ज़ाती नज़र में. ये कन्फ्रंटेशन उठेगी, ठीक है जी. सो वो कहते हैं कि हम भी अब जिक्र किया करें, ठीक है जी. अब हम जिक्र करेंगे जो अमरीका के अंदर मसले हैं. मिसाल के अंदर अमरीका के अंदर रेसिज्म के प्रॉब्लम है, तो हम एक एनुअल इंडेक्स निकालते हैं, उस इंडेक्स में हम बताएंगे कि इंडिया के रेसिज्म के अमेरिकन के रेसिज्म की क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये अमेरिकन खुद भी ये रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो वो कहते हैं कि आपका एक पैरामीटर है, आप उस पैरामीटर को अपने पास ही रखें, हमारे साथ डिस्कस ना करें. अब इंडिया अनॉयड हो रहा है लेकिन अमेरिकन पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है. देखें अब होता क्या है कि अमेरिकन जो हैं वो सऊदी अरब की रिलीजियस फ्रीडम को भी मेजर करते हैं, वो पाकिस्तान की रिलीजियस फ्रीडम को भी मेजर करते हैं, वो दुनिया के हर मुल्क की रिलीजियस फ्रीडम को मेजर करते हैं. जब वो उसको मेजर करते हैं तो देन दे कम टू नो एंड दे रियलाइज ओहो ए पॉइंट गाली को नहीं है, इतने तो प्रॉब्लम है, ठीक है. सो उनको जो चीज़ नज़र आ रही है अब पाकिस्तान जैसे मुल्क या सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने क्या किया है उसका कि वो इतनी देर से वो रिलीजियस फ्रीडम को इंडेक्स को मेजर कर रहे हैं और हर साल सऊदी अरब और पाकिस्तान उसको रिजेक्ट कर देता है कि बात ही खत्म हो जाती, किसी को लगता ही नहीं है. सो इंडिया का क्या है कि इंडिया के साथ जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन, जो लेवल ऑफ रिलेशनशिप जो एक नज़र आ रहा है आपको अमेरिका का, इंडियंस थोड़ा सोचते हैं कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, हम जाते हैं तो आप जफियां डालते हैं, हमें विलमिंगटन डेलावेयर में अपने घर में बुलाते हैं, हम क्वाड के पार्टनर हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, नाल ही तुसी जड़ा ना साडे ते प्रेशर पाने वास्ते एक रिपोर्ट जारी कर देंदे हो. लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट उनको जोर लगा होगा वो बड़ा क्लियर था कि साहब उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है आप लोग बड़े रिमार्क्स मारते हो हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारे फ्रीडम्स पे, हमारे रिलीजियस फ्रीडम्स पे, लेकिन जरा बुरा मत मानिएगा जब मैं आपके उसमें रिमार्क्स मारना शुरू करूंगा. इसी चक्कर के अंदर जो एमईए से रिस्पांस आया है जिसका मैं एक मिनट में आपसे रेफरेंस लूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इंडिया ने जयशंकर जी के थ्रू एक अपना जो रोल है ग्लोबल साउथ, जिससे अमेरिकन को बहुत डर लगता है, लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि ग्लोबल साउथ देख रहा है कि भाई अमेरिका भारत के साथ किस तरह बिहेव कर रहा है और वो अपने ओपिनियंस बना रहा है, बोलता है कि साहब आप तो भारत के बहुत अच्छे दोस्त हो, एक तरफ आप ये बोलते हो, ऊपर से भारत के साथ आप ये सब चीजें करते हो तो हम आपको कैसे ट्रस्ट करें. तो ये एक सवाल ग्लोबल साउथ के मुंह में आ रहा है. नाउ देखते हैं कि भाई भारत ने इसका जवाब कैसे दिया. कल भारत ने एक स्टेटमेंट निकाला जिसमें बोला गया कि साहब ये जो यूएससीआईआरएफ है, जो हमको आप सबको पता है हम क्या सोचते हैं इसके बारे में. याद करिए एक बारी भारत ने बोला था कि साहब दिस वी डोंट इवन कंसिडर एज ट्रैश पेपर, ये भी चीज एक बारी बोली गई थी, दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एज वेल. लेकिन अभी बोला गया कि भाई एक बायस ऑर्गेनाइजेशन है विद अ पॉलिटिकल एजेंडा. जैसे मैं आपको बोल रहा था कि भारत में कुछ ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिनकी नैरेटिव लेके यूएसएआरएफ ने रिपोर्ट बनाई है, तो पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर सीधा भारत ने गोली इस बारी मारी है. उसके बाद बोला कि साहब आप लोग जो फैक्ट्स हैं और जो एक मोटिवेटेड नैरेटिव बनाते हो ये तो बकवास है और इसके आगे कुछ नहीं है. लेकिन जो किकर है, जो सबसे हार्ड स्टेटमेंट आया भारत की तरफ से, वो ये आया कि साहब हम यूएससीआईआरएफ को बोलते हैं कि जरा ये सब करना छोड़िए, आप अपना जो कैपेसिटी है और जो आपका काम करने का तरीका है उसको यूटिलाइज करिए अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने. सो वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन, हम इसको नहीं होने देंगे या हम इसे बोलेंगे. आपको पता है डॉक्टर जयशंकर पूरा हफ्ता 10 दिन अमेरिका रह के हैं, वो तो कल आए अमेरिका से, मैं देख रहा था कल 2 अक्टूबर को उनकी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है. मुझे बताएं आप कि नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका 21 तारीख को, जयशंकर भी साथ गए 21 तारीख को वो गए, और आज जो है वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है कल उनकी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई और वहाँ पे उन्होंने लंबी चौड़ी बायलैटरल मीटिंग्स हुई. अच्छा, मल्टीलैटरल मीटिंग्स अलहदा हुई, बाकी मीटिंग्स अलहदा हुई. अब ये डॉक्टर जयशंकर जो है वो कह रहा है कि भाई हाँ जी हम जो है वो हम आपके पार्टनर हैं,
हम आपके पार्टनर हैं, हम आपके साथ ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन द क्वेश्चन इज साथ ही वो क्या करते हैं, साथ ही वो कोई ना कोई कड़मास मचा देते हैं। अब जो कल हुई जो डॉक्टर जयशंकर की और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मुलाकात हुई है, उसमें आप देखें कि जैसे वो कहते हैं ना जी कि हम बड़ी एंड्योरिंग कमिटमेंट की बात करते हैं, रीजनल चैलेंजेस हमारे इकट्ठे हैं, हम रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस पे इकट्ठे हैं, हम क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे कोऑपरेट करेंगे, हम मोदी साहब का जो अमेरिकन कहते हैं कि जी हमने मोदी साहब ने जो यूक्रेन का दौरा किया हम उसको बहुत अहमियत देते हैं और पीस चाहिए, जस्ट एंड लास्टिंग पीस चाहिए, जो इस तरह की बातें होती हैं, और क्लीन एनर्जी में हम साथ हैं, ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस में हम साथ हैं, ये सारी बातें की हैं। द मोमेंट जयशंकर वहां से उठ के जहाज में बैठे हैं, वो अपना दिल्ली एयरपोर्ट से उतरे ने तो नाली रिपोर्ट आ गई।